इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान रात्रि विश्राम किए कहां, निषाद राज के यहां। निषाद जी भगवान के मित्र है। कंद मूल फल खाए संध्या वंदन के पश्चात रात्रि विश्राम। निषाद जी ने भगवान को जब कुसा की साथरी, साथरी माने चटाई पर हाथ की तकिया लगाकर सोते देखा, आहा, रोने लगे हो, कहने लगे कई कई अमैया ने अच्छा नहीं किया, सुख के समय दुख प्रदान किया। आप दूर से देखकर यह नहीं कह सकते हैं कौन सुख है और कौन दुख है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, यही बोलना है। और क्या, कौन सुख है और कौन, इसलिए लगा है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो लगे कथा में हम हैं। देखिए, एक महात्मा उभारे धूप में लेटे थे, एक भाई को दया आ गई, जाड़े का समय लेटे थे लंगोटी पहन कर, ऋषिकेश की घटना है, छर्री में लेटे थे नर्मदेश्वर बाबा में। वो श्रीमान गया बाजार से दुकान, कंबल दुकान पर गया और कंबल खरीद कर लाया और बाबा को उड़ा दिया। बाबा, बाबा ने बोला इधर ये क्या किया? बोले बाबा आप नंगे थे तो मैंने कंबल उड़ा दिया। बोले मूढ़ बुद्धि, मैं धूप सेक रहा हूं, मैं नंगा नहीं हूं, धूप सेक लूंगा तो आश्रम पर आना, ऐसा 1000 कंबल तेरे को दूंगा। श्रीमान को बुरा लगा, बोले हमने तो भला किया। बोले तुमने बहुत बुरा किया, तुमको ये अभिमान है, तेरे पास बहुत है, इतना कंबल ढक दूंगा तेरे को उठ नहीं पाएगा। अब जानते, नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे महापुरुष। अब उनको तो धूप, अरे भाई आजकल तो आप जानते हैं ना, हम तो कबूतर खाने में रहते हैं फ्लैट में, वहां धूप आती नहीं। गाड़ी में हम आ रहे थे तो हमारे बच्चे तौलिया अखबार लगाए कि गुरुजी लगा दे, हम नहीं बेटा, हम धूप ले रहे हैं, हम छतरी में रहते हैं, हमको धूप मिलती नहीं। कथाओं में जब बाहर निकलते हैं तो धूप मालिश बच्चा लोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं अंदाज कर सकते, कयास लगा सकते हैं, ये नहीं अनुमान कर सकते हैं कौन नंगा है तो किस मस्ती में है। ये तो भाई जो है वही जानेगा। राम जी मेरे सो रहे हैं, निषाद जी रो रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने पूछा आपको कैसे लगे राम जी दुखी हैं? बोले देखिए ना, चटाई पर सो रहे हैं, हाथ की तकिया लगाए। ओहो, साधना काल में 5-7 वर्ष तक मेरे कमरे में पंखा नहीं चलता था। व्यास जी वगैरह तो मेरे कमरे में देर तक बैठते नहीं थे, क्यों, हम पंखा भी नहीं चलाते थे। चटाई बिछाया, तकिया लगाया, नहीं तो क्या, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, बोरा पर सोते थे हम लोग में। ऐसा आनंद आता था कि क्या बताएं आपको। दिन में भर चलते थे, दर्शन करते थे महापुरुषों का, श्री अवध में आप आओ ना, आपको समय का पता नहीं चलेगा, करते थे। अब जब श्रम बढ़ा तो शरीर ने आराम मांगा, आराम मांगा, आराम लेते, हमने कुछ नहीं किया, सब आराम दे रहे हैं, आराम ले रहे हैं, आराम ले लेंगे तो आराम से रहेंगे, जय जय सीताराम। भरोसो दृढ़ इन चरणन को, आपके लिए निवेदन मेरा, कोई किस हाल में है, वो दुखी है कि सुखी है, आप इसका अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन आपको सीखना होगा क्या, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा
से बच के रहना रहना झंझट से बच के रहना संतोष सीख जाए शब्द है सातिर। क्या क्या शब्द है सातिर? आप अक्सर समझते हैं कैसे जैसे थोड़ा समझते हैं बहुत नहीं, आपको थोड़े समझना क्योंकि आपके बस का नहीं। जो आदमी कहीं रहता है और कहीं सोचता है वो दिमाग से शातिर होता है। कथा में आगे जनरेटर कब बंद होगा? क्यों वो इसी जुगाड़ में रहेगा जनरेटर कब बंद होगा? कहे ये ठंडा वाला पंखा ले जाना है। और बाहर भैया लोग आ गए हैं गार्ड लोग, वो तो रात भर जगते हैं, वो तो आप एक तिनका नहीं छू सकते, वो रतिया पर टहलते रहेंगे। हाँ बड़े विचित्र है।
उठा नहीं सकता कोई, लेकिन वो शातिर आदमी उनको भी फंसा लेगा। अरे आप कुर्ती खाते हैं क्या? खाते उसी में बूटी मिला दिया, खिला दिया, तब तक दरवाजे पर पकड़ गए। आदमी जो दिमाग से शातिर होता है वो उसकी अरे साहब बड़ी स्थिति खराब। कहना क्या है, ऐसा आदमी कहीं भी रहेगा खुश नहीं रहता, हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जहां जाएगा परेशान। और ध्यान, ऐसा व्यक्ति अपना भी शत्रु है। वो न अपना भला दिखता है न दूसरे का बुरा सोचता है, उसको लगता है सब हम ही कर डालेंगे। आपने बहुत देखा होगा, मन कहीं, चित्त कहीं, चरित्र कहीं, शरीर कहीं, ये क्या है, ये स्वभाव अच्छा नहीं, लेकिन अपने हाथ में भी नहीं है। हर व्यक्ति अपने क्रियामाण के द्वारा संचित से बने प्रारब्ध के वशीभूत है। भगवान की कथा व्यक्ति को संहार सकती है, सुधार नहीं सकती। सुधारना तो व्यक्ति को ही पड़ता है, कथा सुधारती नहीं, कथा संहारती है। कैसे? थोड़ी कल्पना हो तो उसको काट देती है, बहुत भरा है उसको नहीं काटती। उसके लिए कई जन्म चाहिए कटने के लिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।